स्वागत है आपका इस सेशन में। साथियों, उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वन दरोगा भर्ती परीक्षा का जो टाइम टेबल है, कार्यक्रम है, वो जारी कर दिया गया है और इस प्रकार 16 जुलाई से ये परीक्षाएं प्रारंभ होगी ऑनलाइन मोड में, वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र है। साथियों, ये जो एग्जाम है, आप जानते हैं कि ये 316 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जानी है और जिसमें पहले तो रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा और फिर शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। तो साथियों, ये एग्जाम बड़ा क्रूशियल रहने वाला है क्योंकि अगर 316 पद हैं तो जाहिर तौर पे इसके दुगने कैंडिडेट वे जो लिखित परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण करेंगे और जिस प्रकार से जो फगुना अभ्यर्थी चयनित किए गए थे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती परीक्षा में, उसी प्रकार जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा है उसमें भी दोगुना अभ्यर्थी लगभग इसमें चयनित किए जाने हैं। तो इस प्रकार आप मान के चलिए कि 632 जो पद हैं इस पर रिजल्ट जारी किया जाए। हो सकता है कि आयोग इससे ज्यादा करे लेकिन कम से कम इतने पदों के लिए तो जारी करना ही पड़ेगा, इतने अभ्यर्थियों को पास करना ही है। साथियों, इसके बाद शारीरिक परीक्षा होगी और शारीरिक परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट बनेगी और अल्टीमेटली जो लिखित परीक्षा है वो बड़ा क्रूशल रोल अदा करने वाली है आपके आपके चयन के लिए, क्योंकि लिखित परीक्षा के आधार पर आपको तय हो जाएगा कि आपका चयन होना है या नहीं होना है। तो साथियों, अंतिम समय में कितना तैयारी किया जाए, लगभग 20 कैसे इसकी तैयारी की जाए, साथियों इस पर थोड़ा सा चर्चा और मार्गदर्शन लेके हम आए हैं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जो आयोग द्वारा जो विज्ञान है और विज्ञान के साथ साथ आपका कृषि भी जोड़ा गया था, कृषि का सेक्शन जब बाद में आयोग द्वारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जब सिलेबस जारी किया गया तो उसमें कृषि का जो सेक्शन था वो नहीं था, अर्थात आपको बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके साथ साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन तैयार करना था। तो इस प्रकार साथियों, इसमें जो सिलेबस दिया गया वो 9th और 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस दिया गया, 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा। साथियों, जो इसमें सिलेबस दिया गया है उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो यदि आप कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी की पुस्तकें अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको उससे जाहिर तौर पर लाभ होगा, क्योंकि अमूमन जो एनसीईआरटी की पुस्तकें होती हैं स्कूली शिक्षा में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संजीवनी का कार्य करती है, अर्थात आपको एनसीईआरटी को बेहतर तरीके से पढ़ना है और हर एक फैक्ट को उसमें पढ़ना है। और चूंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कौन कौन से फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनको ज्यादा बेहतर से पढ़ना है और अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ ले। तो साथियों, कुल मिलाकर जो तैयारी है उस तैयारी को धार देने के लिए आपको एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो जो भी टॉपिक आपके पास है उस टॉपिक को उससे बड़ी क्लास का भी पढ़ सकते हैं, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ साथियों, इस सिलेबस से मिलता जुलता जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उस एग्जाम का प्रश्न पत्र भी यदि आप सॉल्व करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा, लेकिन पहली दृष्टि में आपको जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सबसे बेहतर, और समय कम भी है लेकिन जितने टॉपिक आप कवर कर सकते हैं एक दिन में दो टॉपिक भी आप कवर कर सकते हैं अगर आप स्टडी को समय दे रहे हैं, मुश्किल से 3 से 4 घंटे में एक टॉपिक आपका इतने बेहतर से हो जाएगा कि आपको सिर्फ एक बार एग्जाम से पहले रिवीजन करने की जरूरत होगी। तो एक दिन में दो टॉपिक आप एक 9th का चैप्टर ले सकते हैं साइंस का, विज्ञान का, और पुस्तकें आपको ऑनलाइन मिल ही सकती हैं तो ऑनलाइन पुस्तकों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, डिजिटल माध्यम से जिनके पास ऑफलाइन है वो ऑफलाइन पढ़ें। तो साथियों, इस प्रकार से ये परीक्षा क्रूशियल होने वाली है, अच्छी परीक्षा है, अच्छा पद है। तारीख से 1 जुलाई से हम लोग MCQs की सीरीज आप विद्यार्थियों के हित में लेके आएंगे, क्योंकि काफी विद्यार्थियों के हमें कमेंट सेक्शन में और मैसेजेस भी आए ग्रुप से कि सर हमें जो है तैयारी रिवीजन की तैयारी करवा दीजिए, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग MCQs की सीरीज लेके आएंगे और आपके लिए जाहिर तौर पर लाभदायी होगी और उसमें एनसीईआरटी को ही आधार बनाया जाएगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिए जाएंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आप तैयारी करें,
और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 12वीं स्तर का इसमें योग्यता थी, 12वीं पास होना चाहिए था साइंस से या एग्रीकल्चर से, साइंस से। तो ये एक अच्छा अवसर है। यदि आपका कोई सवाल हो इससे संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और साथियों इसमें जो सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसमें शारीरिक परीक्षा भी आगे है, तो इसमें पहले दुगना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद शारीरिक परीक्षा होगी, और जो जो उसमें क्वालिफाई होगा उसके बाद मेरिट